प्यासा, मंडी, सलाम बॉम्बे, चांदनी बार और एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म आई थी बॉर्न इनटू ब्रॉथेल्स। वैसे तो इंडियन सिनेमा में बहुत सारी फिल्में सेक्स वर्कर्स पर बन चुकी हैं उनके ऊपर तरस खाते हुए, लेकिन बेगम जान कुछ अलग है, इसलिए क्योंकि इसमें 11 महिलाएं ऐसी हैं जो हाथ में बंदूक लेकर खड़ी हैं आजादी के खिलाफ, एंड इट इज अ फाइट टिल फिनिश। एंड आई एम सो हैप्पी आज बेगम जान हमारे साथ हैं और फिल्म के निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहती हूँ, जैसे मैं अभी इंटरव्यू के पहले भी बता रही थी, मैंने ओरिजिनल फिल्म जो है राज कहानी, जिसका वर्जन है हिंदी वर्जन बेगम जान, वो देखी, उसका ट्रेलर भी देखा, और अगर ये फिल्म आधी भी वैसी बनी होगी देन आई एम टेलिंग यू कि हिंदी सिनेमा में एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। नहीं, पूरी बनी है बेहतर बनी है एक्चुअली, टाइटर, मोर फोकस्ड। एक्चुअली क्या होता है कि मैं थिएटर से हूँ, तो थिएटर में आपको दूसरा एक मौका मिलता है, सेकंड शो, सेकंड परफॉर्मेंस टू बेटर योर फर्स्ट वन। आपको पता होता है आपके वीकनेसेस क्या है, कहाँ पे आप योर फ्लाउंडरिंग, कहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग परफॉर्म कर रहे हो, तो दूसरी जो शो होती है तो उसमें यू करेक्ट दोज थिंग, इम्प्रोवाइजेशन करके यू एंड यू मेक इट अ परफॉर्मेंस विच इज़ बेटर। सो ये चांस सिनेमा में ऑल द टाइम नहीं मिलता है, कभी कभार ही मिलता है। इम्प्रोवाइज करने का मौका मिला? हाँ, इम्प्रोवाइज करने का मौका मिला, जो जो जहाँ जहाँ मुझे लगा कि राजकहानी कुड हैव बीन बेटर, आई हैव गॉन हेड एंड करेक्टेड दोज प्लेसेस, मेड इट टाइटर, मेड इट मोर कॉन्सेंट्रेटेड। जो फोकस है वो बहुत ही अलग है, जो बेगम जान मूवी का जो फोकस है दैट इज ऑन द लाइव्स ऑफ दीज पीपल, इन लड़कियों की जो कहानियां हैं, उनके जो अपने आप जो जो इक्वेशंस है उसके ऊपर फोकस है, उसका पर्सपेक्टिव वैसा है, और जो हिस्टोरिसिटी है, जो एक मैक्रो एक ऐतिहासिक जो मिल्यू है, उसको हमने एकदम वो सिमट के बच्चन साहब का जो बहुत ही उम्दा वॉइस ओवर है उसमें आ गया है, तो दैट इज वो कहने वो सुनने के बाद यू एंटर द होर हाउस डायरेक्टली, उसके बाद यू स्टे विद द गर्ल्स। सो इट्स अ मच मोर पर्सनल टेक ऑफ राजकहानी एंड इट्स अ बेटर फिल्म ऑब्जेक्टिवली।